प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्प लता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। नौवां पड़ाव, मंगल मूर्ति, 1930 से 1955। महाकुंभ पर हमारे माता पिता ने इलाहाबाद जाकर पर्व स्नान का निश्चय कर रखा था। हमारी छोटी बहन गुड्डी मथुरा आई हुई थी और उसे फरवरी में जुड़वा बच्चे होने वाले थे। बस यही दुविधा थी, परंतु सबने कहा आप पर्व स्नान करके यदि एक हफ्ते में आ जाएंगे तो दोनों काम हो सकेंगे। हिचकते हुए उन्होंने इलाहाबाद का प्रोग्राम बना लिया। तेज आगरा में पढ़ता था, उसने कहा वह तीसरे चौथे आकर जीजी को देख जाया करेगा, 8-10 दिन में आप लोग लौट ही आवेंगे। इलाहाबाद आकर और हमारी मौसा मौसी जी से मिलकर लाला जी बउआ बहुत ही हर्षित हुए। हमारी एक ही मौसी थी और वे अत्यंत सरल व स्नेहमयी थीं। अपने सीमित साधन में वे हम सबका असीमित सत्कार करती थीं। बाद में जब हम भाई बहन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तो हर सप्ताह मौसी के घर जाकर तरह तरह के व्यंजन खाते व प्यार पाते थे। मैं भी बनारस से पहुंच गई और कुंभ स्नान के दिन हम लोग स्नान के लिए चल दिए। तभी खबरें आने लगीं कि भगदड़ में आदमी फंसे हैं वगैरह, परंतु हम लोगों ने इसे मामूली घटना समझा और बंद पर पहुंच गए। रास्ते में ऊपर तक लाशें भरी ट्रकें मिली, दलदल में धंसी चप्पलें मिली, आदमी बहुत कम। हम लोग भजन भाव करते, देखा अनदेखी किए चलते गए। ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आया। लाशों को मैंने समझा सर्कस की गुणिये पुतलिये हैं। ऐन संगम पर जाकर स्नान किया और सानंद घर लौटे। पड़ोस में रोना पीटना मचा हुआ था और एक बंगाली बहू की लाश टीका सिंदूर लगाए ले जाने को रखी थी। वह भगदड़ में कुचल कर मर गई थी। फिर तो अखबार रेडियो से खबरें आनी शुरू हो गईं। तब वास्तविकता का ज्ञान हुआ। क्या जाने इस घटना की भयावहता समझने के कारण या थकान के कारण अथवा अवस्था के कारण रात को हमारे पिताजी को छाती में दर्द उठा। डॉक्टर आए, बताया मासिव थ्रोम्बोसिस ऑफ हार्ट है। ये विपत्ति की प्रथम सूचना थी। हमारे रक्षक ही पर संकट आ गया। लखनऊ से सर्जन माथुर आए, वे हमारे सबसे बड़े भाई थे, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। जो कुछ कर सकते थे सब किया। बड़े दुखी हुए, कहा लाला जी आप इतने जाड़े में इतना कष्ट उठाकर कुंभ नहाने क्यों आए? आपको आराम से रहना चाहिए। आप नहीं जानते क्या कि हम बच्चों के लिए आप कितने जरूरी हैं? उनके पास बैठकर उनके हाथ सहलाते रहे। हंसकर बोले, लाला जी मसल्स क्या हुई? जाते वक्त हिदायत कर गए, 15 दिन तक हिलिएगा मत, और आंखों में आंसू भरकर विदा ली। उनके जाने के दूसरे दिन से पिताजी ने कहना शुरू किया कि मुझे किसी तरह मथुरा पहुंचना है। गुड्डी मेरे भरोसे आई है, अकेली है, किसी भी दिन बच्चे हो जाएंगे। बात ठीक भी थी, पर इस हालत में कैसे सफर करेंगे? जान का खतरा है। बड़ी कठिनाई में पड़ गए थे सब। चौथे दिन वे स्वयं बोले, सुनो जी मुझे खिचड़ी खिलाओ। मैं डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूं, कुछ ताकत आएगी तो सफर कर सकूंगा, कुछ नहीं होगा, मथुरा पहुंच जाऊंगा। मां ने फौरन उनका आदेश माना। छठे दिन रेल का टिकट मंगाकर वे मथुरा रवाना हो गए। छोटा भाई रघुवीर जो इलाहाबाद में पढ़ता था पहुंचाने गया। मैं गाड़ी में बिठाकर वापस आ गई। मुझे साथ जाना चाहिए था, पर पता नहीं बुद्धि कैसी कुंठित हो गई थी मेरी।
कि इतना सा अपना कर्तव्य भी ना निभा पाई। दूसरे दिन वे लोग मथुरा पहुंचे और उसी रात को गुड्डी को दर्द उठे। रघुबीर था ही वह वृंदावन के कनाडियन हॉस्पिटल ले गया और सकुशल लवकुश का जन्म हुआ। हमें धीरे धीरे ज्ञात होने लगा था कि हमारे पिता अपनी सुख सुविधा से कहीं अधिक अपने बच्चों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, परंतु अब ये भी स्पष्ट हो गया कि वे अपने प्राणों तक का मोह नहीं करते, केवल बच्चों की रक्षा ही उनका ध्येय है। 12 वर्ष तक इसी जर्जर हृदय को संभालकर उन्होंने अपने छोटे बच्चों को बड़ा किया। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम अकेली नहीं कर सकोगी, वे माँ से कहते थे। एक घटना और याद आती है। मेरा छोटा भाई कुलदीप घूमने निकला था कि एक ट्रक वाले की असावधानी से उसका सिर फट गया। एक सज्जन उसी ट्रक में लिटाकर भाई को घर लाए और डॉक्टर साहब को पुकारा। हम सब बाहर आए तो देखकर घबरा गए। माँ जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। हाय, मैंने अपने बेटे का खून देख लिया। परंतु बीमारी से कृषित पिता की गंभीरता देखने लायक थी। एक शब्द भी नहीं बोले, फौरन अपनी डिस्पेंसरी खोली, कुलदीप को कुर्सी पर बिठाया, कैंची स्टरलाइज की, बाल काटे, घाव धोया, टांके लगाए, बिना एक शब्द बोले। उन्हें देखकर मन में अथाह साहस भर गया। मैं भी उनकी सहायता करने लगी। माँ रोती चिल्लाती रही, टांके मत लगाना, दर्द होगा। वह सज्जन ट्रक वाले से भिड़ते ही रहे कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है, पर मेरे पिता अडिग थे। मैंने अपने पिता को जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सदा साहस, धैर्य व कुशलता के साथ कार्य करते देखा है। वे हर कार्य श्री राम को समर्पित करते थे। वे परम आस्तिक व अनन्य राम भक्त थे। मेरे जीवन प्रेरणा का सूत्र मेरे माता पिता ही थे और आज उनकी अनुपस्थिति में भी कठिन परिस्थिति में यही विचार कर हल मिल जाता है कि वे दोनों होते तो क्या करते। बात कहने का और क्षमा करने का उनका अपना ही ढंग था। मुझे सुनाकर एक दिन माँ ने कहा, सुनो जी, पुष्पी के दूल्हे तो रामचंद्र जी से लगे हैं, वही रूप रंग, वही शील स्वभाव, हम कहाँ ढूंढ पाते ऐसा वर। पिताजी बोले, है किस खानदान से। मेरा मन उन दोनों के प्रति कृतज्ञता से भर गया। एक उल्हाना नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा हानि का एक शब्द नहीं, बच्चों का सुख ही उनका सुख है। वे वास्तव में अद्वितीय थे, प्रणम्य थे। 80 वर्ष के जीवन में मेरे पिता ने एक सृष्टि रची, उसका उत्तमता से पालन पोषण किया और एक प्रातःकाल राम राम जपते हुए आधे घंटे में शरीर त्याग दिया। उस समय उनके पास न कोई पुत्र था न पौत्र, कोई मित्र परिजन भी नहीं था। थी तो बस उनकी अनन्य सहचरी मेरी माँ, छोटी बहन कुमकुम और उनके श्री रघुनाथ जी। उनकी स्मृति चिन्ह सा राम मंदिर डैम्पियनगर में आज भी खड़ा उनकी कीर्ति गाथा कह रहा है। वहां बनी नई कोठियों को मंदिर वाली कोठियां ही कहा जाता है। श्री राम। आज फ्लाई फ्लास डाई, न्यू डेज न्यू वेज, पास बाय लव स्टेज एनोनिमस।
Thank you.